हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं मेथी का बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता, बच्चे का टिफिन। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए हमने फ्रेश एक गट्टर मेथी का लिए हैं। ये पूरी तरह से फ्रेश है, इसे हम धोकर ले लिए हैं। अब इसके लिए हम मसाला लेंगे। सबसे पहले हमने जो मेथी लिए थे उसे अच्छी तरह साफ करके बारीक काट लिए हैं। फिर लिए हैं हम एक कटोरी आटा, एक चम्मच अदरक घिसा हुआ, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मंगरेल, आधा चम्मच हल्दी, दो चम्मच रिफाइन ऑयल, थोड़ी सी लहसुन बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए हमने लिए हैं एक गमला। गमला में हम डालेंगे आटा, फिर डालेंगे मेथी कटी हुई, बाकी के हमने जो भी मसाले लिए हैं सभी मसाले को डाल देंगे बारी बारी से। फिर इसमें डालेंगे रिफाइन ऑयल, डालने के बाद इसे चम्मच से अच्छी तरह मिला लीजिए। फिर उसमें पानी डाल के अच्छे से, जैसे हम आटा लगाते हैं वैसे ही एक डो बना लीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमने जैसे रोटी बनाते हैं ना उसी साइज का छोटा छोटा हमने बना लिए हैं पराठा को। गैस पे रखे हैं एक तवा, आप कोई भी तवा ले सकते हैं, तवा या कढ़ाई आपको जो इजी लगे आप उसी को ले लीजिए। फिर डालें एक चम्मच रिफाइन, एक तरफ थोड़ा सा सीख गया है, अब इसे हम पलट दिए हैं। इसी तरह हमने सारे पराठा को बना लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने पराठा बना लिया है, दही से रायता बना लिए हैं। चलिए अब बच्चे का टिफिन पैक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बच्चे का टिफिन हम पैक कर दिए हैं। अब इसे हम बंद करेंगे। फिर डालेंगे रायता, थोड़ी सी आम का अचार, आपके पास जो भी अचार हो डालिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। अब इसे हम बंद कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके बच्चे थोड़े भी तीखे खाते हैं तो आप पराठा बनाते समय थोड़ा सा मिर्ची डाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, हमारे बच्चे का टिफिन तो तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारा टिफिन वाला रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।